उसके बाद मैं कभी उससे मिली ही नहीं, और जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे लगने लगा कि मैं अपने सपनों की दुनिया में खोती जा रही हूँ, जिससे मैं जानती तक नहीं उसी के बारे में सोच रही हूँ। रॉय का कहना था कि सिमी के ऊपर मेरा कोई क्रश नहीं था, बल्कि मैं अपनी तन्हाइयों से हार चुकी थी और अपने खालीपन को भरने के लिए मैं सिमी के इमेजिनरी साथ का सपना देख रही थी। अगर हमारी ऑफिस की ऑफसाइट मीटिंग गोवा में नहीं होती ना, तो शायद मैं रॉय की बात मान भी लेती। But Cupid had other plans. वो करने को हासिल जी चाहता है, मुझे बदन में डुबोने को साहिल जी चाहता है, या हो मुनासिब या ना मुनासिब होना नहीं है अब दूर हमको। हेलो मैम। हाय। हेलो मैम। मैम वो जो रिजर्वेशन लेटर हमने आपको मेल किया था, एक्चुअली उसकी ज़रूरत होगी बिकॉज उस पर एक बार कोड है जो हमें स्कैन करना पड़ेगा, आप अपने फ़ोन पे चेक कर लीजिए। नहीं मेरे फ़ोन में तो नहीं है, लेकिन एक मिनट हमें पुनीत को पूछ। श्योर मैम। मिस्टर सिंह अपीयर हुए थे या आप जूनियर्स गए थे वहाँ पर? एक मिनट। नहीं नहीं तो और दूसरे मैटर का क्या? हाय हाय, ये गाइस ना बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। सॉरी लाइक ये लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर, या तो किसी का बर्थडे होता है या फिर कोई सेक्सुअल चीज होती है, इनका दिमाग दो ही डायरेक्शन में जाता है। यू थिंक सो? या ट्राई इट, पुनीत का बर्थडे ट्राई करती हूँ। गो एट। मेरी मानो तो कोई सेक्सुअल चीज ट्राई करो। लाइक व्हाट? लाइक 69 ट्वाइस, 69 69। आर यू सीरियस? ट्राई इट। वेल ओके। सी आई टोल्ड यू। वेल आई ऑब्वियसली डोंट नो मैन। हो गया क्या वो? जी वो। अच्छा मैं इस ऑफिस ट्रिप पे तुम्हें इससे लाया हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ऑफिस में किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी। रूही, मीट रूही, सिमी। इससे जितना हो सके दूर रहना, ये फेमिनिज्म के नाम पे बदतमीजी करना सिखाती है। Look at her face. I'm just kidding. अब आप बॉस है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी कि आप कितने बदतमीज हैं, कितने एरोगेंट हैं और कितने घमंडी हैं। डोंट वरी, जस्ट जोकिंग। आप ही ने कहा था ना, बी कैजुअल ऑन द हॉलिडे। ऑल ऑफ अस आर फ्रेंड्स। थैंक यू। क्या वो डिड यू गेट द रूम की? हां यस, द रिजर्वेशन लेटर। आई विल जस्ट हैव अ लुक।